लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के माध्यम से कोटा की अमृतम सेवा संस्थान एनजीओ की 60 महिलाओं को नवीन संसद भवन को देखने का मौका मिला। इस दौरान उन्होंने और भी तमाम भव्य इमारतों का अवलोकन किया। सभी देशवासियों को और विशेषकर महिला वर्ग को बहुत बहुत बधाई। भारत का आखिर वो ऐतिहासिक दिन आया जब महिला आरक्षण बिल पास हुआ। इसके चलते ही 33% आरक्षण महिलाओं के लिए सुरक्षित हो जाएगा और राज्यसभा ने भी इसे मंजूरी दे दी है। अभी राष्ट्रपति की तरफ से मंजूरी आना बाकी है। इस दिन की मैं भी साक्षी थी और मैं वहीं थी जब इस तरीके की ये जरा चल रही थी लोकसभा में, और ये सब संभव हुआ कोटा की एक एनजीओ अमृतम के कारण। रेखा दीदी, ज्योति दीदी और श्रद्धा दीदी, आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार आपका कि आपकी वजह से मुझे ये दिन उस दिन देखना नसीब हुआ। माननीय ओम बिरला जी का भी बहुत बहुत आभार, उन्होंने करीब इस एनजीओ की 55 महिलाओं को नया संसद भवन उस दिन विजिट कराया, और ये जो जिरह चल रही थी महिला आरक्षण बिल की, वो भी हमने बिल्कुल हम उसके साक्षी थे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत मज़ा आया मुझे, और ये मेरे लिए भी एक ऐतिहासिक क्षण था। धन्यवाद। माननीय लोकसभा अध्यक्ष श्रीमान ओम बिरला जी की तरफ से हमारी संस्था अमृतम सेवा संस्थान एनजीओ ग्रुप की सभी महिलाओं को न्यू संसद भवन घूमने का आमंत्रण मिला। हम बहुत ही भाग्यशाली हैं कि नए संसद भवन में सत्र चालू हुआ और महिला आरक्षण बिल पारित हुआ। उस पल के हम सब साक्षी हैं। हम सब ग्रुप की महिलाएं इस भवन में बैठकर साक्षात देख रहे थे। हम उस पल को बार बार इस एक सुनहरे सपने की तरह महसूस कर रहे थे कि हमें इस बात का विश्वास नहीं हो पा रहा था कि इतना सुनहरा मौका हमें मिला, कि हम इतने सुनहरे मौके का जायजा ले पा रहे हैं। ये सत्र चल रहा है, उसे हम साक्षात अपनी आंखों से देख रहे हैं। हम इस पल को क्या बयां नहीं कर पा रहे हैं कि महिला आरक्षण बिल पारित होगा और हम साक्षात उस पल में मौजूद होंगे। ये पल सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा। अमृतम सेवा संस्थान की अध्यक्ष ज्योति यादव, उपाध्यक्ष श्रद्धा खींची, सचिव समता जैन, कोषाध्यक्ष स्वाति कोरवाल जी एवं प्रतिनिधिमंडल रेखा यादव जी के पूर्ण सहयोग से हमें ये मौका मिला। उनके पूर्ण सहयोग, प्यार, प्रेम से हमें ये भ्रमण करने का मौका मिला। हम सभी महिलाएं, ग्रुप की सभी महिलाओं ने पूरा भ्रमण किया। नमस्कार, आज हमारे साथ हैं अमृतम सेवा संस्थान की उपाध्यक्ष श्रद्धा खींची। हम उनसे जानना चाहेंगे कि अभी जो न्यू संसद भवन का उद्घाटन हुआ, उनको वहाँ पहुँचने का सौभाग्य मिला, उनको वहाँ पर पहुँचने का सौभाग्य किस प्रकार मिला, कैसे मिला, इसके बारे में थोड़ा सा आप हमको बताइए। अमृतम सेवा संस्था की उपाध्यक्ष श्रद्धा सिंह, आपके चैनल के माध्यम से ये बताना चाहती हूँ कि हमारी संस्था को नए संसद भवन का भ्रमण करने का सबसे पहला सौभाग्य मिला, और ये सौभाग्य हमको ओम जी बिरला जी के माध्यम से और प्रतिनिधिमंडल श्रीमती रेखा यादव के द्वारा ये सौभाग्य हम लोगों को मिला, और इसका हम लोगों ने पूरा फायदा उठाया। क्योंकि ये कोई आम जगह नहीं थी कि कोई भी जा सकता है, ये हमको उन लोगों की वजह से मिला है, तो उसमें हम लोगों ने कोई मौका नहीं छोड़ना चाहते थे। श्रद्धा जी, जब आप न्यू संसद भवन देखा, आपको बहुत अच्छा लगा और आप पहली बार संसद में गए थे और पहली बार ही न्यू संसद का लोकार्पण हुआ यहाँ पर हुआ, इसके अलावा आपने और क्या क्या चीज़ वहाँ पर देखी, कौन कौन से नज़ारे आपने देखी, इसके बारे में भी हमारे अक्षत न्यूज़ के दर्शक, हमारे श्रोता सुनना चाहते हैं आपसे कि किस प्रकार आपको वहाँ पर और भी अन्य चीज़ों का मौका मिला देखने के लिए। सबसे पहले तो हम लोगों ने न्यू संसद भवन का भ्रमण किया। ओम जी बिरला जी के यहाँ पर सभी महिलाओं ने नाश्ता किया, उन्हीं की तरफ से सारी सुविधाएं हमको प्रोवाइड कराई गई थी, और काफ़ी अच्छा VIP ट्रीटमेंट हम लोगों को उनके माध्यम से मिला। इसके अलावा हम संस्था की सभी महिलाएं राष्ट्रपति भवन और प्रधानमंत्री आवास
प्रधानमंत्री संग्रहालय का भ्रमण किया हम लोगों ने। सबसे बड़ी बात मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आप जब वहां दिल्ली गई, न्यू संसद भवन का आपने लोकार्पण किया, आपका सौभाग्य है कि आपने इतना अच्छा मौका आपको मिला, वहां पर आपने ऐसा क्या आकर्षण का केंद्र रहा जो सबसे अलग हटके वहां आपके द्वारा किया गया, इसके बारे में भी हमारे श्रोता हैं वो जानना चाहते हैं, देखना चाहते हैं क्योंकि जिस प्रकार आपने महिला आरक्षण बिल को साक्षात अपनी आंखों से देखा, ये एक बड़ी बात है और अब तो लोकसभा और राज्यसभा में पास हो गया, ये महिलाओं के लिए गर्व की बात है। इसके अलावा आपकी जो संस्था की महिलाएं सदस्य हैं उन लोगों को भी ये सौभाग्य मिला, इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी हम आप बताइए। और इसके अलावा जो सभी महिलाओं को मैं आपके चैनल के माध्यम से बधाई देना चाहती हूँ कि जो 33% महिला आरक्षण जो बिल पारित हुआ उसके साक्षात हम लोग उस टाइम संसद में ही थे और हमने पूरी कार्रवाई होते हुए देखी, तो ये हमारे लिए एक सौभाग्य का विषय रहा। और इसके अलावा हम कोटा की सभी जो महिलाएं थीं उन्होंने कोटा डोरिया साड़ी को प्रमोट किया और वो वहाँ पर एक आकर्षण का केंद्र भी रही, तो हमारे शहर की कोटा डोरिया साड़ी को वहाँ पे लोगों ने पसंद किया और उसके बारे में जानकारी ली। तो आपके चैनल के माध्यम से मैं सभी को एक बार फिर से धन्यवाद करना चाहती हूँ और आगे भी हमें ऐसे मौके मिलते रहें। नमस्कार। अब आपके शहर में, आपके देश में क्या हो रहा है, इन सबको जानने के लिए बस आपके जेब से निकालिए मोबाइल और देखिए देश शहर जिले की खबरें आपकी जेब में, देखते रहिए अक्षत न्यूज लाइव टीवी। इवेंट हो, पॉलिटिकल हो या धार्मिक हो या स्पोर्ट हो, हर न्यूज मिलेगी आपको आपके मोबाइल पर, तो देखते रहिए अक्षत न्यूज लाइव टीवी, अपनों के साथ सबसे पहले सबसे सटीक।